हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू रेडियो मेरी आवाज़ 2.0। तो शाम के 7 बज गए हैं और वक्त हो चला है आज की कहानी का। पर आज की कहानी से पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप इतना प्यार आपने हमें दिया और इतना अप्रिसिएशन आपसे मिला। इसके अंदाज़ा नहीं था हमें कि आप इतना अप्रिशिएट करेंगे। बहुत 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 शुक्रिया एंड लिटरली आई एम हाईली ओबलाइज्ड। आपने इतना प्यार मुझे दिया, मेरे को आशा नहीं थी, मेरे को नहीं था कि इतना प्यार मुझे मिलेगा। और आपकी एक लाइन जो आप लिख के प्यार हमारे को भेजते हैं, वो हमारे लिए खाली एक लाइन नहीं रहती, एक खाली एक अप्रिसिएशन नहीं रहता। उस प्यार को हम बार 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 पढ़ते हैं, उसे बूस्टअप होते हैं, उससे लगता है कि यार अभी और करना है, कुछ और करने की और अच्छा करने की एक हमारे को चाह जागती है। और लिटरली बहुत हेल्प हो रही है आपकी वजह से एंड आई एम हाईली थैंकफुल। और मैं कुछ नाम लूँगा और जिनका मैं पर्सनली शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। अभी मैं इतने सारे लोग हैं, मैं सभी का मैं कुछ भूल गया हूँ, कुछ मेरे से गलतियाँ होंगी, उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। पर जो नाम मुझे याद हैं, जिनको मैं नोट डाउन कर सका आपको बताने के लिए, आपको शुक्रिया करने के लिए, और जिनको मैं नहीं कर सका उनसे मैं अभी माफ़ी मांगता हूँ। पर जो याद हैं उनको तो मैं बता ही दूँ। जैसे विशन कौशिक जी हैं करनाल हरियाणा से, और सत्यनारायण शर्मा जी हैं धौलपुर राजस्थान से। बहुत अच्छी कहानियाँ ये भेजते हैं। आज की कहानी भी इन्होंने ही भेजी है। आज इन्हीं की कहानी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बहुत बेहतरीन कहानी है, मैं अपनी आंखों के पानी को रोक नहीं सका इस कहानी को सुनने के बाद में, पढ़ने के बाद में। ऐसी कहानी दिल को छू गई मेरे को आज, और मैं आज इन्हीं की कहानी पढ़ूंगा। सुनीता सैनी जी हरियाणा से, शालिनी गुप्ता जी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर अंकिमा जैन जी सहारनपुर से, सफलदीप सैनी जी सहारनपुर से, डॉक्टर सुनीता ढल जी हरियाणा से, कृष्णचंद जी हरियाणा से, राकेश कुमार जी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, जागृति बेन अटारा जी गुजरात से, सुधीर ढोबरियाल जी उत्तराखंड से, पूनम भाटिया जी राजस्थान से, मोनिका जी हरियाणा से, परमजीत जी हिमाचल प्रदेश से, रघुविंदर कौर जी पंजाब से, शेख आफ्ताब जी मध्य प्रदेश से, संजय जागुरी जी उत्तराखंड से, कृष्ण गोपाल जी दिल्ली से, और शैलेश बरोट जी गुजरात से, राजीव थपरियाल जी उत्तराखंड से, क्षमा गौर जी उत्तर प्रदेश से, एडवोकेट अमित चौधरी जी सहारनपुर से, सारिका गोयल जी मेरठ उत्तर प्रदेश से, सुनील शर्मा जी सरसावा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, मनुजा द्विवेदी जी झांसी से उत्तर प्रदेश से, और मोहम्मद असगर जी सहारनपुर से, बबली रानी जी वो भी सहारनपुर से ही, दिनेश चंद्र शुक्ल जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, सुभाष शास्त्री जी हरियाणा से, दिलीप सिंह चौहार जी मंडी हिमाचल प्रदेश से, सतविंदर बीर कौर जी पंजाब से, मीनल शर्मा जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, जगदीप जी, और जगदीप जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, ये उमर उजाला से हैं सहारनपुर से, और इन्होंने हमारी कहानी भी इन्होंने ही छापी थी अपने अखबार में। बहुत बहुत अच्छे लिखते भी हैं, बेहतरीन इंसान हैं। और आपके हरिकांत शर्मा जी मथुरा उत्तर प्रदेश से, आयुषी जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, श्रीपाल जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, वीना जी हरियाणा से, परमजीत जी हरियाणा से, अनिल कुमार जी हरियाणा से, डिम्पी जी हरियाणा से, वीरेंद्र कुमार जी गंगो उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर बुशरा बहार लखनऊ से, और दीक्षिता जी मुंबई से, और आपके डॉक्टर अनस गोरखपुर से। मैं इन सब का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और इतना सम्मान दिया कि मैं इसके, मुझे लगता नहीं है मैं इसके लायक हूँ, पर आई एम लिटरली ओबलाइज्ड। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। तो चलिए अभी हम कहानी पे चलते हैं जो एस एन शर्मा जी ने भेजी है धौलपुर से राजस्थान से। और कहानी आपको कुछ सोचने पे जरूर विवश कर देगी। मेरी तो आंखों से पानी नहीं रुक पाया था, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि क्या कहानी है।
ये शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी मां से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नजदीक गई और वहां पे हम दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास बोला, यार अविनाश, सबसे पहले घर पहुंचते ही हम अमृत बाग चलेंगे और बढ़िया सा खाना खाएंगे। यहां तेरी ससुराल में खाने का मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अविनाश का जो छोटा भाई था राकेश, वो बोला, हाँ यार, पनीर भी कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में भी रस नहीं था। और वो ही करके जोर जोर से हंसने लगे। अब अविनाश भी पीछे नहीं रहा। उसने कहा, अरे यार, हम लोग अमृत बाग चलेंगे और जो खाना है खा लेना, मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से ये शब्द सुनते ही नेहा ने, जो घूंघट में थी, गाड़ी में बैठने से पहले ही वापस मुड़ी और गाड़ी का फाटक को जोर से बंद किया और घूंघट हटा के अपने पापा के पास भागती भी गई और अपने पापा का अपने हाथ में लेके बोली कि मैं अब ससुराल नहीं जा रही हूँ पिताजी, मुझे शादी मंजूर नहीं। अब ये शब्द सुनते ही उसने इतनी जोर से इन शब्दों को कहा कि सब आसपास के सब लोग हक्के पक्के रह गए। सब नजदीक आए। नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। अब क्या मामला था, किसी की कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी जो नेहा के ससुर थे राधेश्याम जी, वो आगे बढ़कर नेहा से कहा कि बेटा क्या हुआ, शादी तो हो गई, अब विदाई का समय है, अब अचानक क्या हुआ कि तुम्हें शादी नामंजूर कर रही हो। और अविनाश की तो मानो दुनिया लुट रही थी। तो वह भी नेहा के पास आया, उसके दोस्त भी साथ में थे, वो भी नेहा के चारों तरफ आ गए और सभी लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर ऐसा ऐन वक्त पे क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिता दयाशंकर का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा कि बाबूजी, मेरे माता पिता ने आपको अपने सपने मारकर हम भाइयों को बहनों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। आपको पता है कि एक बाप के लिए बेटी के क्या मायने होते हैं। आप व आपका बेटा कभी ये जान नहीं पाओगे क्योंकि आपकी बेटी नहीं है। अपनी तरह नेहा जो है रो रही थी और रोते रोते बोले जा रही थी। कहने लगे कि आप जानते हैं कि मेरी शादी के लिए, शादी बारात में कोई आवकत कम न रह जाए, इसके लिए मेरे पिताजी पिछले एक साल से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजनाएं बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि खाने में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा। पिछले एक साल से मेरी माँ ने कोई नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है ये मेरी माँ। मेरे पिता इस 150 रुपए की शर्ट के जो पहने हुए हैं, इसके पीछे जो बनियान है उसमें कितने 100 छेद हैं, ये आपको नहीं पता। मेरे माँ बाप कितने सपनों को इन्होंने मारा है, ना अच्छा खाया है ना अच्छा पिया है, केवल इसलिए कि मेरी शादी है, उसकी तैयारियां करनी है, उसके लिए पैसा बचा के रखना है। बस इनकी ये ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। पर आपके पुत्र को तो रोटी ठंडी लगी, उसके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला, और इनका खिलखिला के हंसना मेरे को मेरे पिता के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है और मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। नेहा हाँफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा कि लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। नेहा ने उसकी मां की बात बीच में ही काटी, और ये छोटी बात नहीं है पापा, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं, रोटी आपने बनाई क्या, रसमलाई आपने बनाई क्या, ये तो सब कैटरर का काम था। आप तो दिल खोल कर और हैसियत से भरकर खर्च किया है आपने। कुछ कमी रही तो वह कैटरर की तरफ से रही या लोगों की जो काम कर रहे थे उनकी तरफ से रही। आपने तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर दिया। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली, कल से बाजार अकेली जाएगी, जा पाएगी क्या। जो लोग पत्नियां बहू लेने आए हैं
वो खाने में कमियां निकाल रहे, मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी, और क्या इनकी ये बात समझ में नहीं आई? अब दया शंकर जी ने नेहा के सिर पे हाथ फिराया और बोले, पगली बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? मुझे तुझ पे गर्व है, तू मेरी बेटी है, इन्हें माफ कर, तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी अविनाश ने आकर दया शंकर जी के हाथ पकड़ लिए और बोला कि मुझे माफ कर दो बाबूजी, गलती मुझसे हुई है। और उसका गला बैठ रहा था, वह रो रहा था। तभी राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा के सिर पर हाथ रखा, तो मैं तो बहू लेने आया था बेटी, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु, उसने मुझे बेटी दे दी और बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसीलिए तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ कर दे और हाथ जोड़ता हूं तेरे सामने, मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। और दयाशंकर जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए और नेहा के सामने सर झुका दी। नेहा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए और बाबूजी, राधेश्याम जी ने कहा, बाबूजी नहीं, पिताजी बोलो। और नेहा भी भावुक होकर राधेश्याम जी से लिपट गई और दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। नेहा राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई, पीछे छोड़ गई आंसुओं से भीगी अपने मां पिताजी की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी, आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी। किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। अब इस कहानी को पढ़ते वक्त मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी। बेटी मां बाप का अभिमान व अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी हम किसी शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में पिता ने कितना कुछ खोया है और कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर वे दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं है। खाने में कमियां ना निकाले, बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी, रसमलाई पकने में उतना ही समय लगता है जितना लड़की की उम्र होती। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों के स्वाद कहीं सपनों को कुचलने के बाद में आता है, वे उन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कदर करें, अगर उपयुक्त बातें आपको ठीक लगी तो लोगों से साझा जरूर करें। और यह मेरा एक छोटा सा कदम था, एक छोटा सा कदम बेटियों के सम्मान के लिए। मैं आगे और कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी। सुनते रहे रेडियो मेरी आवाज 2.0। बच्चे से खान मच को दिल में रुक साथ म्यान बाय जानो बच्चे से खान।